तब मम्मी से कह दियो कि मेरी साइकिल पंचर हो गया, नहीं मम्मी तो मुझे कूटी देगी। अरे मैं संभाल लेंगी, चिंता ना कर। और यू क्यों आई हमारी गैल? अरे यू हमारी गैल जाएगी, ऐसी खेलने जाएंगे हम। अबे यू तो चचा थे ना, क्या हो गया? यू चेक करियो, मर तो ना गए, मुरमुरा खाए हो कहीं? ओए काय को परेशान कर रहा है? पूनम चलेंगे अभी खेलने के लिए। अच्छा यार तो बहुत थक गई मैं, आज का खेलेंगे अम्मा। पकड़म पकड़ा है बड़ा पानी के नीले पगोड़े। ए चू चू चू, ए चुप चुप भाई, मारियो मेरे को। आ चू चू, ऐसे ना बैठे करे लौंडिया, घर में बाप भाई बैठे हैं। सेकंड दिखना नहीं तुमको। नो अम्मा, उदय देख उसे, वो भी तो ऐसे ही बैठा है। लोंडा को ना कहा कुछ भी? लोंडे को क्या कहेंगे? सही से बैठ। लोंडिये को ही बोल सके, ये लोंडे को तो कुछ ना बोले हैं। बेटा लड़का हो या लड़की, दोनों को बैठने की तमीज होनी चाहिए और कपड़े भी जगह के हिसाब से ही पहनने चाहिए। क्यों हमारे कपड़े में क्या दिख रहा है अम्मा? देखियो कुछ दिख रहा है इनमें? बेटा घर के और बाहर के कपड़े दोनों अलग अलग होते हैं, और जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ बैठते हैं तमीज से हैं, जिससे खुद को भी ऑफर्ड ना लगे और दूसरे को भी ऑफर्ड ना लगे। अम्मा कह तो सही रही है तू। अब वो बगल वाली लड़कियों को देखो, ट्यूशन से आके हाथ मुंह धो के कपड़े बदल के जाती है, तू तो ना तुम्हारी तरह चली जाती खेलने। अम्मा तुम्हारी गपर सपर के चक्कर में हम लेट हो गए खेलने के लिए। हम तो लेट हो गए खेलने में, पर आप वीडियो को लाइक करने में लेट मत करना, और लाइक के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और हाँ, इस बार हमने 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। 30,000 तो आने चाहिए जल्दी। चलो जा रहे हैं, क्यों खेलेंगे? हैरी मिनी माइक्रो, बड़ी झेलपड़ कपड़े बदल लेते हो तुम हैं? देखो हमारा ना बहुत सॉर्टेड रहता है, हमें पहले से ही पता होता है कि हमें कौन सी जगह पे कौन से कपड़े पहनने हैं। लिसन, कई बार ना हम अपने कपड़ों की चॉइसेस की वजह से अनकंफर्टेबल और एम्बैरेस्ड फील करते हैं, क्योंकि टीनेज एक ऐसी एज होती है जहां हम गर्ल से एडल्ट बन रहे होते हैं, समझे? इसीलिए तो पीरियड्स में बहुत सारी लड़कियां खेलने भी नहीं आती है। उस दिन नहीं आने दिया था ना, इसीलिए मैं तुम्हें चार ऐसी स्टाइलिंग दिखाऊंगी जिसमें तुम उठ रहे हो, बैठ रहे हो, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो या फिर पीरियड्स पे हो ना, तब भी सेफ सिक्योर और कंफर्टेबल फील करोगे, ठीक है? ये रही पहली स्टाइल। कई बार हम बाहर जाते हैं तो लेगिंग्स पहन लेते हैं ताकि हम कंफर्टेबल फील करें, पर असल में आप देख ही सकते हो कि लेगिंग्स कितना वियर्ड दिख रहा है, तो आप कोशिश करो कि इन चिपकी हुई लेगिंग्स पे ना लॉन्ग टॉप पहना करो, ताकि आप कंफर्टेबल भी हो और लुक भी अच्छा आए। और अगर आपको लेगिंग्स के साथ लॉन्ग टॉप नहीं पहनना, तो आप केपरी के साथ इस तरह का ट्यूनिक भी पहन सकते हो, ये भी दिखने में बहुत अच्छा लगता है और कंफर्टेबल भी होता है। तो कई बार कंफर्ट के चक्कर में हम बहुत ज्यादा ढीले कपड़े पहन लेते हैं, जिसकी वजह से अगर हम खेलने जाते हैं या उछल कूद करते हैं तो कपड़े इधर उधर हो जाते हैं और हमें अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। तो अगर आप ढीले क्रॉप टॉप की जगह टाइट क्रॉप टॉप पहनोगे, अगर आप उछलोगे कूदोगे या गिर भी जाओगे ना, आपका टॉप इधर से उधर नहीं होगा। और कोशिश करो कि लाइट पिजामों की जगह इस तरह की डार्क कलर की जीन्स पहना करो, वो इसलिए क्योंकि अगर आपको पीरियड्स हो रहे होंगे तो पैड अपनी जगह से नहीं हिलेगा, और दाग भी लग गया तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं होगी क्योंकि हमारी जीन्स तो ऑलरेडी डार्क है। बहुत बार हम ऐसे बड़े गले के टॉप ले लेते हैं जिससे कि हमें झुकने में, कूदने में, खेलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो अगर आपने भी ऐसी दिक्कतों को फेस किया है ना, तो इस तरह के राउंड नेक टॉप लो, इससे अगर आप खेलोगे, कूदोगे या कोई भी काम करोगे, एक्टिविटी करोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओ यू सब तो बड़े सही थे, पर नू समझ ना आई तुम ये बैडमिंटन लेके कहां को चल दिए? खेल ले। अरे बैडमिंटन से ना खेल, हम पकड़म पकड़ाई खेलेंगे गार्डन में। चक्कर आओ, हम रानी वानी को लेते हैं, ठीक है? पीछे से आ जाओ, ठीक है? मजे करेंगे। चल चल। सुनीता रानी पूजा किंगे को रही खेलने ना चलना क्या? पूनम हमारी गैली तो आई थी खा रही। हाँ हमारी गैली आई, ये एक साली पूनम की किधर है? पूनम पूनम पून हाँ रह गई थी, चप्पल टूट गई थी मेरी। चलो पूजा पूजा लगा दे। Now what guys? पार्क को तो आ गए हम, बट अभी मेरा खेलने को जीजा ना कर रहा। कुछ खाते पीते हैं यार।
बता दीदी, चल 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 चलो चलो यही लिपट जाएगी। भैया कितने गए? 20 का तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिले दो आएगी। बेबी यू वांट टू ट्राई? ले पूरा खत्म कर जाऊंगा तो एक बार फिर तू मुझे अपना पिला दियो, ठीक है? मैं तेरे ना जानती आज। हां पूनम पैसे दे। ओ मैंने अकेले पिया है क्या? मैं क्यों दूं अकेले पैसे? माइक्रो देगी पैसे। ओ हेलो, इफ यू रिमेंबर ना लास्ट टाइम गोलगप्पे के पैसे भी मैंने ही दिए थे। हां तो तभी तो कह रहे हैं इस बार भी तू ही दे दे। अच्छा अब क्यों दे पैसे बड़े आए तुम लोग? तुम्हारे हुए 10 रुपए, गीता तुम्हारे 12, बबीता तुम्हारे 14 और आशा तुम्हारे 16 और बेब तुम्हारे 15 रुपीज। ओह हेलो, ऐसे क्या मन में से सोच के बोल रहा है तू? और तू जो भी बोले हम मान ले, तेरे 15-14 है, पागल दिख रहा है मिसे? हम पागल दिख रहे तुझे? हमने दे वैसे बस तुझे, इसके ज्यादा मेरे कम, मेरे ज्यादा तो इसके कम, ऐसा थोड़ा ना होता है। हमने दे वैसे? नहीं बाबा, ये देखो ये हिसाब वाला ऐप है, इसमें तुम कितना खर्चा करते हो ना सब मेंशन कर सकते हो और किसने कितना खर्चा किया है वो भी लिखते जाओ और एंड में ये ऐप तुम्हें टोटल बताएगा कि किसका कितना खर्चा हुआ है, समझ गए? ये तो बड़ी बवाल चीज दी क्या? अगली बार जब हम चीज खाएंगे ना तो ऐसे ही पैसे देंगे। तो फिर चलो आज चीज खाएं। चलो ए ए माइक्रो पैसे दे दिया तुमने? हां भैया संतरी वाली टॉफी एक भैया, एक सतमोला भी दे देना और उनको पॉपकॉर्न मुझे टंग रहा है ना उधर वो आलू वाली नमकीन एक महाला और एक सूखी सुपारी। तू सुपारी खाती है? मुझे बताई, मैंने देखी इस बार एक बार खाते हुए। मैंने क्या बताई? मुझे से कसम दी थी ना मम्मी की, चाचू को बताऊंगी। मुझे सोनू ने सिखाई। सोनू बोलेगा कोई में गुज्जो गुज्जेगी? हां ला मान दे तू भैया, कितने रुपए हुए? सबका और बताओ हमारी जो पड़ोस वाली भाभी है ना, उसका भी अंदर चक्कर चल रहा है, जो पल्ली उड़ रहे हैं। वो भाभी तो बहुत शरीफ थी। शरीफ ना है वो, ऐसे मैंने देखा कल भी उसे उसके पीछे पीछे। भाभी का ना हमारे सोसाइटी वाला राहुल है ना, उसके घर में चक्कर चल रहा है। देखी मैंने। रानी क्यों नहीं आई? रानी का फोन पकड़ा गया। अरे उसे आवे ना है कुछ भी, पता कैसे करे फोन को। अब अबे वहाँ दिख जावे यहाँ रखो कुछ भी ना दिखे। सही कह रही है, सही कह रही है। तू स्कूल में फोन लेके जा करे। मम्मी को बताऊंगी, चल तू। अबे नहीं नहीं पकड़ेगी। अरे यो मेरा फोन ना, यो मम्मी का फोन है। मुझे तो लग रहा पक्का इसने आजकल ना कोई पटाके रखा है, सही देख रहे हो उसकी? अरे बबीता बता रहा था ना मैंने। अरे कुछ ना दीदी, मैंने एक वीडियो में देखा, तुम्हें भी सीखना है क्या? ये देखो। तो इस हेयर स्टाइल को बनाने के लिए हमें सबसे पहले निकालना है मिडिल पार्टीशन और लेने हैं रबर बैंड्स। अब बालों के इस तरह से छोटे छोटे सेक्शंस लेते जाओ और रबर बैंड लगाते जाओ। अब
एंड का रबर बैंड लगाने के बाद जो ये वाला पार्ट है ना उसे कुछ इस तरह से निकाल के ट्विस्ट कर लो जिससे कि आपका हेयर स्टाइल और अच्छा दिखेगा। अब जो हमने इस तरफ किया ना सेम प्रोसेस को दूसरी तरफ रिपीट कर लो और लो बन गया हमारा टीनेजर सुंदर सा हेयर स्टाइल। घर पे ना बता सकी थी मुझे ताकि मैं भी बना कर आऊं। अरे अगली बार बना लियो दीदी। हाँ चल अब हम कुछ खेलते हैं। चलो चलो मैं भी। अरे वहाँ कर रही थी कर रहे हैं मेरे को मिला। चलो पोसंपा भाई पोसंपा लाल किले में क्या हुआ 100 रुपए की घड़ी चुराई 8 दिन में आना पड़ेगा जेल की रोटी खानी पड़ेगी जेल का पानी पीना पड़ेगा जेल का। ये लोग बहुत गंदे हैं इनके साथ नहीं आऊंगी। बता फिर क्या खेला करे तू बता। साबू खेलेंगे साबू फाइनल साबू सपना खेलना है हम कटी पतंग डॉक्टर डॉक्टर गिल्ली डंडा चूहा चूत की बीमारी रिंगा रिंगा रोज़ हम ना खेलना कुछ भी मुझे तो गोसंपाई में मजा आ रहा है इसको कूटेंगे फिर कैसे। गाइस आप लोग हमें बताओ कि नेक्स्ट गेम हमें क्या खेलना चाहिए तब तक आप बताओ कमेंट करके फिर हम मिला न्यू वीडियो में तब तक लिए टेक केयर बाय और सब्सक्राइब ना करा करो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दीजिए।